Today we will see about genetic organization of HIV-1 genes. Genetic organization of HIV-1 genes. तो अगर देखेंगे HIV का genes के बारे में, ठीक है, तो उसका genetic organization. ये क्या होता है? HIV दो तरह का होता है, जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमन है उसको कहते हैं HIV-1, और वेस्ट अफ्रीका में जो है उसको कहते हैं HIV-2. ठीक है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं इसका, HIV-1 का बात कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन इन इंडिया. तो इसका जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे तो इसमें 9 जीन्स मिली होते हैं. ठीक, इट हैज 9 जीन्स, और ये 9 जीन्स में हम क्या देखेंगे, जो 3 जीन्स होते हैं, ठीक है, 3 जीन्स वो मेजर जीन्स होते हैं. ठीक है, तो 3 जीन्स जो होते हैं दे आर मेजर जीन्स. तो यहां पर लिख दे रहे दे आर मेजर जीन्स. तो मेजर जीन्स कितने होते हैं? ये 3 जीन्स होते हैं, और जो माइनर जीन्स भी होते हैं इसमें, माइनर जीन्स भी होते हैं. तो ये माइनर जीन्स जो देखेंगे कितने होते हैं? लगभग 6 जीन्स. तो इट द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HIV-1 इज मेड अप ऑफ 9 जीन्स, आउट ऑफ 6 इज माइनर एंड 3 इज मेजर. ठीक है, अभी हम देखिए ये जो मेजर जीन्स होते हैं, ठीक है, मेजर जीन्स कितने हैं? दैट इज 3. तो 3 मेजर जीन्स में हम देखेंगे क्या कि कौन कौन से होते हैं. तो ये 3 मेजर जीन्स जो होते हैं इसको कहते हैं गैग जीन, इसको कहते हैं पॉल जीन. तो गैग, पॉल, और तीसरा जो जीन होता है उसको कहते हैं एनव जीन. ठीक है, तो गैग, पॉल एंड एनव जीन. तो ये गैग जीन जो होता है ना, ये एनकोड करता है, जीन है ना, तो जीन है, डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन बनाएगा. तो इट एनकोड्स फॉर क्या के लिए? तो ये न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन बनाता है. ठीक है, तो HIV का जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बनता है यही बनाता है. तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन क्या का बना होता है? तो ये कह सकते हैं ये क्या बनाता है, दैट इज नोन एज P17 को कोड करता है, और P24. P17 कौन सा था? ये आउटर प्रोटीन कोड था, और P24 इज इनर प्रोटीन कोड. तो ये कौन बनाता है? गैग जीन बनाते हैं. इट एनकोड्स फॉर, इट इज एनकोडेड बाय गैग जीन. तो ये ध्यान देंगे कि गैग जीन इसको कहते हैं, गैग. नेक्स्ट जो है पॉल जीन है. तो पॉल जो है ये क्या करेगा, ये इट एनकोड्स फॉर, ठीक है, पॉल ऐसे याद रखिए, पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, ऐसे याद रखने के लिए. तो एंजाइम को कोड करेगा ये, इट एनकोड्स एंजाइम्स. ठीक है, इट एनकोड्स एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम आरटी कहते हैं. ठीक है, कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये इसको कहते थे P64. ठीक है, इसके बाद इट कोड्स फॉर और क्या है, दैट इज इंटीग्रेज एंजाइम. इंटीग्रेज एंजाइम को लिख के लिए भी कोड करता है, इसको हम बताए थे P32 कहते हैं. दिस ऑल्सो कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीएज, किसको करता है ये? प्रोटीएज को भी करता है, और प्रोटीएज को क्या बताए थे? P10. ठीक है, तो याद रखना है कि इट एनकोड्स फॉर, दिस गैग जीन एनकोड्स फॉर P17 एंड P24. तो आउटर प्रोटीन कोड, इनर प्रोटीन कोड. ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज P64, P32 इंटीग्रेज, और प्रोटीएज क्या है? P10. तो ये करता है पॉल जीन. कौन सा? तो गैग और पॉल जीन का ये हो गया. ठीक है, तीसरा जो बचा इसको कहते हैं एनव. एनव मतलब एनवलप कर सकते हैं, बाहर वाला. तो एनव जीन, तो एनव जीन क्या करता है? ये भी एनकोड करेगा, इट एनकोड्स. तो ये जो एन बनाता है क्या, ये ग्लाइको प्रोटीन कोड, इट एनकोड्स ग्लाइको प्रोटीन का बनाता है कोड. तो GLYCO, ग्लाइको प्रोटीन. ठीक है, तो ये क्या बनाता है? ग्लाइको प्रोटीन. अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा होता है पढ़े, GP41 एंड GP120. तो GP41 और GP120
120, इन दोनों को कोड करता है। बताया थे कि जीपी 120 क्या करता है, इट बाइंड्स टू CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन CD सेल्स और टारगेट और होस्ट सेल्स, ठीक है, ये CD सेल्स को बाइंड करता है। ये क्या हुआ, GP41 इन्फेक्शन में इसका रोल है। इन्फेक्शन में क्या है, फ्यूजन, इसमें फ्यूजन डोमेन होता है, ठीक है, ठीक है, फ्यूजन डोमेन होता है जो कि टारगेट सेल पर कोरिसेप्टर होते हैं उस पर बाइंड करते हैं और फ्यूजन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये बता चुके थे। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से कि दिस गैग एनकोड्स फॉर न्यूक्लियोकैस्पिड प्रोटीन, ये क्या है, एनकोड्स फॉर एंजाइम, ये तीनों, इट एनकोड्स फॉर ग्लाइको प्रोटीन, कौन कौन से एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, ठीक है, ये तो मेजर जीन्स का हो गया, ठीक है। माइनर जीन्स जो है उनका क्या काम है, ठीक है, तो माइनर जीन्स बहुत सारे हैं, 6 हैं, सभी के नाम है इसी तरह, गैग पॉलजीन उसी तरह, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली देख रहे हैं। तो ये जो माइनर जीन्स हैं, तो ये सब 6 जीन्स हैं, ये एनकोड करेगा, इट एनकोड्स फॉर प्रोटीन्स, क्या के लिए करेगा, इट एनकोड्स फॉर प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स क्या है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वीर्यम मैच्युरेशन, और ये प्रोटीन क्या में हेल्प करेगा, ये प्रोटीन हेल्प करेगा वीर्यम मैच्युरेशन में, तो ये मैच्युरेशन होगा ना, तो उसमें मेनली हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन वीर्यम मैच्युरेशन। वीर्यम मैच्युरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जब टारगेट सेल के अंदर क्या होता है, असेंबलेंस होता है ना, असेंबली और बडिंग होके बहुत सारा वायरस बनता है, तो उसके लिए जो प्रोटीन ये रिक्वायर्ड है ये जीन्स देगा, ठीक है। तो इट एनकोड्स प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर वीर्यम मैच्युरेशन, दैट इज वीर्यम मैच्युरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, वायरल असेंबली एंड बडिंग, तो ये सब के लिए क्या है, सबके लिए प्रोटीन चाहिए, तो ये कौन एनकोड करेगा, माइनर जीन्स, ठीक है। उसी तरह और भी कह सकते हैं कि ये और भी एनकोड करता है प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स विच कुछ प्रोटीन बने, अभी हम देखे थे ना कि इसके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शन के समय, तो वहां पर क्या करता था, वहां पर देखते थे कि जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके लिए क्या है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो वीकली उसको क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसके लिए प्रोटीन्स जो है यही करता है। तो प्रोटीन्स विच वीकली एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वीकली एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्या कहते हैं उसको, प्रोवायरल डीएनए, तो ये वीकली एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है, क्या करता है, इट वीकली जो है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। एक और पॉइंट कह सकते हैं, इट ऑल्सो एनकोड्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ये क्या करेंगे, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स को भी कोड करते हैं, डेट प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोटीन को भी कोड करते हैं, क्या करते हैं, इट ऑल्सो कोड्स फॉर रेगुलेटरी प्रोटीन, और वो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करते हैं, वो जो भी है ना एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है, मेजर रोल इन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन, ठीक है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो ये इनके माइनर जो जीन्स हैं उनके फंक्शंस हैं। तो माइनर जीन्स आपको याद रखने हैं कितने हैं, 6 जीन्स हैं, और मेजर जो जीन्स हैं वो कितने हैं, 3, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। तो हम देखे थे जब इनका इन्फेक्शन जब हो रहा था उस समय, ये P64, P32, P10 था, ये सब क्या था, वायरल प्रीकर्सर प्रोटीन के टूटने के बाद जो प्रोटीन्स बनते थे ना, वायरल प्रोटीन्स क्या बने, यही सब थे वायरल प्रोटीन्स, ये भी क्या है, ये भी बन गए सब, ठीक है। तो वायरल प्रीकर्सर प्रोटीन टूटने के बाद क्या हुआ, P17 बन गया, P24 बन गया, P64 बन गया, P32 बन गया, P10 बन गया, ये सब बन गया था, ठीक है। और उधर क्या था,
दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था ही, सब असेंबल होके क्या हुआ, असेंबल हुआ और बडिंग हुआ और नया वायरस बना दिया। लेकिन हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन कोड भी तो चाहिए था इंसर्ट करने के लिए, वो कौन बनाएगा, वो एनवीजिन बनाता था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि वीरियन मैच्योरेशन के लिए माइनर वाला चाहिए। ठीक है, ये वीकली एक्टिवेट्स क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवाइरल और ये कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप कर ले, ये होगा जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआईवी।